रविवार शाम से हो रही तेज बारिश के कारण मंडियों में रखा हुआ किसानों का लाखों टन अनाज भीग कर बर्बाद हो गया है। रविवार शाम हुई अचानक बारिश से मंडी में अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। मंडी में बनाए गए शेडों में हमेशा व्यापारियों का अनाज रखा रहता है, जिसको तय समय सीमा में नहीं उठाया जाता, जिसके कारण शेड में जगह खाली नहीं रहती और इस वजह से किसानों को खुले में अनाज रखना पड़ता है। ऐसे में किसी भी आपदा के आने पर नुकसान किसानों का ही होता है। ऐसा ही कुछ नजारा छिंदवाड़ा मंडी में कल देखने में आया, जहां खुले में भंडारित किया हुआ किसानों का अनाज अचानक बारिश हो जाने से पूरी तरह से पानी में भीग गया। मंडी में रखा हुआ 1.5 लाख टन मक्का, सोयाबीन, गेहूं इससे बारिश में बर्बाद हो गया है। इससे भीगे हुए अनाज का किसान को उचित मूल्य भी नहीं मिल पाएगा। 3 दिन से मंडी बंद होने के कारण वहां अनाज की मात्रा बहुत ज्यादा थी और आज से नीलामी शुरू होने वाली थी। इसके पूर्व ही यह अनाज पानी में भीग गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं मंडी प्रबंधन बहाना बना रहा है कि हमने किसानों को पूर्व में ही सूचना दे दी थी। बाइट कल अचानक बारिश हुई, यहाँ पे व्यापारियों की जो माल है तुल के तो तैयार हो गया था, उठाव नहीं हो पाया। अब माल तो खराब नहीं हुआ है, वैसे मक्का जल्दी जल्दी नहीं होता है, लेकिन भीग गया, थोड़ी सी नमी आई है। इसके बाद वो पलटी करके ले जाएंगे। किसानों का नहीं है, व्यापारियों का, किसान और व्यापारी दोनों का है। अगर किसान डालते हैं इसके बाद व्यापारी खरीदते हैं तो उस टाइम तो रहती है। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।